नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रम जावेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी पोस्ट निकली है, अलग अलग बहुत सारी पोस्ट है। सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है और फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, कब तक अप्लाई करना है, फीस क्या लगने वाली है और सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों, चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकला हुआ नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले डेट्स के बारे में बात करेंगे तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 23/11 को, मतलब आज 21 है, दो दिन के बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, लास्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लोजिंग का 17/12 है, मतलब 17 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए दोस्तों टेंटेटिवली डेट दी गई है 11 जनवरी, और जो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है वो टेंटेटिव डेट दी गई है 22 जनवरी। 22 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। दोस्तों, चलो देख लेते हैं डायरेक्टली डिटेल्स में सारी चीज़ें। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, पहली पोस्ट है इकोनॉमिक्स की। आप यहाँ पर देख सकते हो इकोनॉमिक्स की पोस्ट निकल के आ चुकी है एक। उसके लिए जो स्केल, मतलब सैलरी मिलने वाली है, स्केल 5 की मिलेगी। ये स्केल 5 की सैलरी क्या होती है मैं आगे चल के आपको बताऊँगा वीडियो में। स्केल 4 की 3 की 2 की 1 की, ये सब की सैलरी कितनी होती है इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों, सेकंड पोस्ट है इनकम टैक्स ऑफिसर की, स्केल 5 की सैलरी इसको मिलने वाली है और एक पोस्ट निकल के आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगली पोस्ट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, स्केल 5 की, और उसके लिए एक पोस्ट है। दोस्तों, अगली पोस्ट है डाटा साइंटिस्ट की, स्केल 4 की पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पर एक निकल के आ चुकी है। उसके बाद में आप अगली पोस्ट देख सकते हैं, क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों, स्केल 3 की पोस्ट है, और ये 10 पोस्ट टोटल निकल के आ चुकी है दोस्तों क्रेडिट ऑफिसर के लिए। दोस्तों, डाटा इंजीनियर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, स्केल 3 की पोस्ट निकल के आ चुकी है। टोटल पोस्ट है 11, तो 11 पोस्ट यहाँ पर डाटा इंजीनियर के लिए भी निकल के आ चुकी है। आई टी सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए स्केल 3 की एक पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, आई टी एसओसी एनालिसिस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, स्केल 3 की 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है। रिस्क मैनेजर के तौर पर यहाँ पे स्केल 3 की 5 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। टेक्निकल ऑफिसर क्रेडिट के लिए यहाँ पे स्केल 3 की आप 5 पोस्ट निकल के आ चुकी है, देख सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस के आप स्केल 2 की पोस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे 20 पोस्ट निकल के आ चुकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्केल 2 के लिए भी निकल के आ चुकी है, 15 पोस्ट है। दोस्तों, लॉ ऑफिसर की स्केल 2 की पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और रिस्क मैनेजर स्केल 2 की पोस्ट यहाँ पे 10 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और सिक्योरिटी के लिए 2 स्केल 2 और स्केल 1 की पोस्ट है, स्केल 2 की 3 पोस्ट है और स्केल 1 की 9 पोस्ट है। कुल मिला के 115 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, चलो डिटेल्स में बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे कि बाकी चीज़ें क्या क्या लगने वाली है, क्या क्या मिलने वाली है, सारी चीज़ें। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सिटीज़न ऑफ इंडिया आप होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान भी चलता है। और बाकी चीज़ें जैसे कि स्केल बिल, उसके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहली पोस्ट है इकोनॉमिक्स की, वो एजीएम की पोस्ट है, मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है। इसके लिए एज लिमिट है 30 से 45, मतलब मिनिमम 30 साल, मैक्सिमम 45 साल। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है PhD। आपने अगर PhD इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी या पब्लिक पॉलिसी, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने PhD की है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दोस्तों, अगली पोस्ट है इनकम टैक्स ऑफिसर की, ये भी AGM की पोस्ट है, मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है। 35 से 45 उम्र यहाँ पर भी दी गई है, मतलब एज लिमिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट पास रेडिंग फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब आपने अगर CA किया है, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगली पोस्ट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AGM की पोस्ट है, ये भी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है, स्केल 5 की है। और एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 से 50 दिया गया है, मतलब 50 साल तक भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 35 साल दिया गया है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, या तो फिर बैचलर डिग्री, या तो फिर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, डाटा साइंटिस्ट की पोस्ट है, जो कि CM की पोस्ट है। यहाँ पे 28 से 35 साल एज लिमिट दिया गया है, मतलब मिनिमम 28 साल, मैक्सिमम 35 साल, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में, या फाइनेंस या इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इसमें अगर आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगली पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर SM की पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पर भी देख सकते हैं, एज लिमिट है 26 से 34 साल। और यहाँ पे जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एक तो CA होना चाहिए, या फिर CFA, या फिर SCMA,
या तो फिर आपका MBA फाइनेंस में अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों डाटा इंजीनियर की पोस्ट निकली है, वो भी SM की पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिटेड 26 से 35 साल तक, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आप ये देख सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास एक तो, या तो फिर डिप्लोमा होना चाहिए स्टैटिस्टिक में, इकोनॉमेट्रिक्स में, या तो फिर मैथमेटिक्स में, या फाइनेंस में, या फिर इकोनॉमिक्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई जरूर कर सकते हो। दोस्तों IT सिक्योरिटी पोस्ट भी निकली है, IT सिक्योरिटी एनालिसिस के तौर पर SM की पोस्ट है दोस्तों, 26 से 40 साल यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में, या फिर ECE या तो फिर MCA आपने किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों IT SOC एनालिसिस की पोस्ट निकली है, उसके लिए भी एज लिमिट है 26 से 40 साल, और इसके लिए भी आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, या तो फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, IT ECE या MCA या MSc IT अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट है रिस्क मैनेजर की, रिस्क मैनेजर के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो एज लिमिट है 20 से 35 साल, उसके अंदर आपकी एज होनी चाहिए, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है बेसिक क्वालिफिकेशन में आपका MBA होना चाहिए फाइनेंस में या तो फिर बैंकिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट निकली क्रेडिट के लिए, वो SM की पोस्ट है, आप देख सकते हो 26 से 34 साल एज लिमिट दी गई है, और इसके लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, एक तो सिविल, मैकेनिकल, या तो प्रोडक्शन या मेट्रोलॉजी, इसमें किसी में अगर आपने किया है इंजीनियरिंग तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों फाइनेंशियल एनालिसिस मैनेजर जो पोस्ट निकली है वो है Scale 2 की पोस्ट है दोस्तों, एज लिमिट दिया गया है 20 से 35 साल, 20 से 35 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, मतलब आपने CA किया होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगली पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर की, और इसके लिए आप एज लिमिट देख सकते हैं 20 से 35 साल दिया गया है, प्लस इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो 3 साल का इंजीनियरिंग डिग्री आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट है लॉ ऑफिसर मैनेजर की, Scale 2 की पोस्ट है, और इसलिए एज लिमिट है 20 से 35 साल, और यहाँ पे आपकी LLB की होनी चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए आपकी लॉ में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली पोस्ट है रिस्क मैनेजर और Scale 2 की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट है 20 से 35 साल, अगर आपने MBA किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है बैंकिंग में या तो फिर फाइनेंस में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सिक्योरिटी मैनेजर Scale 2 की पोस्ट निकल के आ चुकी है, 26 से 45 साल एज लिमिट दिया गया है, और इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो ग्रेजुएट होनी चाहिए, आप किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी जो पोस्ट है सिक्योरिटी AM की, असिस्टेंट मैनेजर की, Scale 1 की पोस्ट है दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट है 26 से 45 साल, और इस यहाँ पर भी आपकी कोई भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इतनी सारी पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। दोस्तों चलो बाकी की चीज़ें डिटेल्स में जान लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरव्यू होने की तारीख 30 नहीं डेट नहीं है वो, आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, अगर आप OBC हो तो यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से टेंशन की जरूरत नहीं। दोस्तों स्केल के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Scale 1 के लिए यहाँ पे 36,000 से लेकर 63,840 रुपये तक स्केल बैठता है, Scale 2 के लिए यहाँ पे सैलरी बैठती है 48,170 से लेकर 69,810 रुपये तक, और Scale 3 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 63,840 से लेकर 78,230 रुपये तक यहाँ पे आपको सैलरी बैठ रही है। दोस्तों Scale 4 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 76,000 से लेके 89,890 के तक आप यहाँ पे सैलरी पा सकते हो, और Scale 5 की जो पोस्ट थी उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 89,890 से लेके 1,350 रुपये तक आप यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। दोस्तों सैलरी बहुत ही बढ़िया है, आप यहाँ पे अप्लाई जरूर कर सकते हो। दोस्तों चलो बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, आपका सिलेक्शन किस तरह के ऊपर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होने वाली है, उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसी के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी उसके लिए शेड्यूल क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट कैसे रहेगी, स्ट्रीम कैटेगरी स्पेसिफिकेशन क्वेश्चंस के ऊपर 60 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स रहेंगे, और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 20 मार्क के लिए रहेंगे, बैंकिंग पर्सन प्रेजेंट इकोनॉमिक्स जो सिनेरियो है एंड जनरल अवेयरनेस है उसके ऊपर 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 20 मार्क्स के लिए रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, उसके लिए मिलेंगे 60 मिनट मतलब 1 मिनट 1 घंटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, फीस कितनी लगने वाली है तो आप देख सकते हो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पे 175 रुपये प्लस GST, और बाकी अदर सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे 850 रुपये फीस लगेगी प्लस GST। तो दोस्तों इस तरह से आप देख लीजिए आपकी कौन सी कैटेगरी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फीस भरना ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स में दी गई है। एप्लीकेशन डेट जैसे मैंने आपको पहले ही बताई कि 23/11 से लेकर 17/12 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट है
17 दिसंबर से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना जरूरी है। तो दोस्तों आई होप सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, वहाँ पे जाके आप ये सारे डिटेल्स पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ ही लीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लिए इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब, जो उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मेरे वीडियो बना नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में रहती है। बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पर रहते हैं, डालता रहता हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।